अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए LG स्टेबलाइज़र की वीडियो लेकर आया हूँ, जो वैसे तो कम वोल्टेज में सही था, लेकिन 200 या 220 पर ये काम सही नहीं करता था और ये वोल्टेज हाई करता था। तो इसका ये फॉल्ट मैं आपके सामने हल करूँगा और आपको हल कराने की बताने की कोशिश करूँगा किस तरीके से होता है हल। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। मुझे बेहद खुशी होती है जब किसी दोस्त का कोई स्टेबलाइज़र ख़राब होता है और वो मुझसे कमेंट में सवाल करता है और मैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ और उसका जो स्टेबलाइज़र होता है वो फॉल्ट भी हल हो जाता है। तो मुझे बेहद खुशी होती है। तो आपका अगर कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में रابطہ करें और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देता रहूँगा। और हमारी वीडियो को शेयर लाजमन करें और आखिर तक तो लाजमन देखें, आपको उसके फॉल्ट के बारे में मुकम्मल मालूमाती आगाही होगी, क्योंकि आखिर तक देखने से मुकम्मल मालूमात होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कम वोल्टेज इनपुट देख रहे हैं, कम वोल्टेज है और आउटपुट बिल्कुल 220 बराबर हो रहा है। और जब हम 220 से इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी 300 से हम बराबर हो रहा है। तो इसमें यही मसला था जो मैंने पहले आपको बताया कि इसमें वोल्टेज हाई करने का मसला है। और इंशाल्लाह ये मैं आपके सामने हल करूँगा और आपको हल करने की तरीका भी बताऊँगा किस तरीके से होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपने शेयर करें। और बहुत से जो भी ग्रुप हैं आपके दोस्तों के, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कोई भी ऐसे ग्रुप हैं, आप उसमें मेरी वीडियो को लाजमन शेयर करें। तो अभी इस स्टेबलाइज़र की सर्किट को खोलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये मसले जो भी होते तो ये बिल्कुल आसान हैं अगर आप इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आएगा। और ये काम जो भी हो, काम कोई भी हो, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए बेहद आसानी होगी और आप उस पार्ट को हल करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये 4 रिले में है, वैसे तो 5 रिले, 1 इसका टाइमर है और 4 रिले इसका जो है तो काम करते हैं और वोल्टेज को कम और बराबर करने में, वोल्टेज कम होते हैं तो उसको बराबर करने में मदद मिलती है। तो 5वां रिले इसका टाइमर होता है। टाइमर अगर ख़राब हो जाता है तो बहुत से दोस्त इसको डायरेक्ट करा लेते हैं, और क्योंकि डायरेक्ट में भी फ्रिज हो या जो भी चीज़ हो चल जाती है। अगर आप टाइमर लगाएंगे, टाइमर से कुछ ये फ़ायदा होता है कि अगर लाइट आती है तो उस टाइम लाइट बेहद तेज़ होती है, तो उस से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है उसको ख़राब होने का ख़तरा है और उसकी जो सर्किट होती है ख़राब होती है। तो इसका ये 220 वाला रिले आप देख रहे हैं, मैं ये रिले निकाल रहा हूँ क्योंकि ये रिले ख़राब है और ख़राब हो चुका था। जब मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल ख़राब हालत में था। अगर ये बज़ाहिर ख़राब ना हो तो इसको चेक करने के भी मैं वीडियो और बनाऊंगा। ये तो बिल्कुल बज़ाहिर ख़राब था, तो इस वजह से मैं आपको ये चेंज करके वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह ऐसा और स्टेबलाइज़र होगा तो उसको अगर ख़राब ना हो और रिले काम ना कर रहा हो तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फ़िलहाल ये वीडियो मेरी आखिर तक लाजमन देखें, तो आपको हो सकता है इसमें और भी बहुत सी ऐसी मालूमात हासिल हो जो आप मालूमात हासिल करना चाहते हो। तो दोस्तों, बहुत से रिले ऐसे होते हैं जो उसके 12 वोल्ट बिल्कुल काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके जो पॉइंट होते हैं 220 वाले, वो आपस में जो स्पार्क करके ख़राब हो जाते हैं और कार्बन आता है तो काम नहीं करते। तो दोस्त, बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं सिर्फ 12 वोल्ट उसको चेक करते हैं और 12 वोल्ट पर रिले ऑन होता है तो दोस्त कहते हैं कि यार रिले बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिले की आप देखें अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो रिले अंदर से इसके पॉइंट ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि रिले बाहर से तो बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। आप अगर इसके पॉइंट कभी भी इसके पॉइंट आप निकाल कर देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कम वोल्टेज में और हाई वोल्टेज में कितना रिले ख़राब होता है और कितना इस्तेमाल होता है।
तो अभी मैंने ये रिले लगा दिया है, इसको टांका लगाऊंगा, टांका लगाने के बाद आपको चेक कराऊंगा कि इसमें और मसला है या नहीं है। तो जैसा कि ये देख रहे थे रिले, मैंने जो आपको पहले बोला तो ये बिल्कुल बगैर नज़र आ रहा था, रिले ख़राब है, तो इसलिए मैंने आपको चेंज करने की हिसाब से वीडियो बनाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चेक करने के हिसाब से बनाऊंगा कि इस रिले को किस तरीके से चेक किया जाता है, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने इसमें रिले लगा दिया है और इसको चेक कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कम वोल्टेज से तो ये पहले भी ठीक था और पहले भी काम कर रहा था। जब 220 पर आता था तो ये 300 वोल्टेज पर आउटपुट होता था। अभी इस टाइम ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसमें ये एक ही रिले ख़राब था और ये मैंने चेंज कर दिया और इसका फॉल्ट बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। आपका कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी स्टेपलर हो, कोई भी यूपीएस हो, कोई भी ऐसा चीज़ हो जो आप कहते हैं कि मुझसे मालूमात हासिल करें, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब देता रहूँगा। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।